गोवा में बच्चों के अपहरण की सूचना निकली झूठी, माने ही रचा था बच्चों के अपहरण का षड्यंत्र। अपहरण की सूचना निकली झूठी, माने ही गांव के ही एक व्यक्ति से मिलकर रचा था षड्यंत्र। माने अपने बेटे और बेटी को स्कूल से अपहरण होने की पुलिस को दी थी सूचना। फैजाबाद में माँ के परिचित के घर से बच्चों को पुलिस ने किया बरामद। रात भर पुलिस रही हलाकान। देर रात बच्चों को फैजाबाद जनपद से पुलिस ने सकुशल किया बरामद। माने गांव के ही चार लोगों को फंसाने के लिए अपहरण करने का लगाया था आरोप। बच्चों की बरामदगी के लिए लगाई थी कई टीमें पुलिस ने। पुलिस ने मां समेत युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कर रही कार्रवाई। लम्हा कोतवाली क्षेत्र के खडसे गांव से जुड़ा मामला। कल शाम को रानी सिंह पत्नी मान सिंह द्वारा जो है यह सूचना दी गई कि इनके दो बच्चे महिमा सिंह और आयुष, जिनकी उम्र क्रमशः लगभग 17 वर्ष और 8 वर्ष है, ये पढ़ने गए थे और नहीं लौटे हैं। इनका संभवतः अपहरण कर लिया गया है और उन्होंने शक के आधार पर चार लोगों की नामजदगी की, गांव के ही उषा सिंह, अमराज सिंह, लालचंद यादव और बलराम यादव के विरुद्ध। इनके प्रार्थना पत्र पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस सक्रिय हुई और इनके कथित रूप से अपहृत बच्चों को एक कादीपुर जनपद अयोध्या में महिमा सिंह को और आयुष सिंह को शेर खां के आरा मशीन से बरामद किया गया। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि रानी सिंह का गांव के इन्हीं लोगों से कोटेदारी को लेकर और विगत ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था। जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने रानी सिंह का जो कोटा है वो निरस्त कराया था, जिसका अभी भी मुकदमा कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। जो उस मुकदमे में उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी, तो ग्राम प्रधान को और उनकी टीम को फंसाने की नीयत से इन्होंने इस तरह का कुचक्र रचा था। पूछताछ से सारी बातें क्लियर होने के बाद से इनकी गिरफ्तारी की गई है। बच्चों की सकुशल बरामदगी करके CWC के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है तथा महिमा सिंह और आयुष सिंह को CWC के माध्यम से सुपुर्दगी कराकर रानी सिंह को आज रिमांड के लिए जेल भेजा जा रहा है।